हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एक नए पार्ट में नाइटमेयर द एंडलेस नाइटमेयर। तो इसके पहले पार्ट में हम लोग देखते हैं, ये रिकैप चल रहा है, इसके पहले पार्ट की सीन्स कुछ दिखा रहा हूँ मैं कि लास्ट में क्या होता है। जैसे भी हम लोग लास्ट में पहुँचते हैं मेन डोर के पास, तो वहाँ पर कुछ नहीं होता, इस रूम में एक लैडर बनी होती है और लैडर पर चढ़ के हम लोग घर से बाहर निकलते हैं और वापस अपने रूम में ही पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर हमारी बेटी का भूत होता, उसकी रूह होती है जो कि काफ़ी डरावनी थी भाई। मतलब ऐसा क्या हुआ है कि इसकी बेटी का भूत अभी भी हमारे घर में घूम रहा है, और किसने किया सबसे बड़ी बात है। तो आज इसका पार्ट टू खेलने के लिए हम लोगों को लेवल बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल से नॉर्मल लेवल लगाएंगे और यहाँ पे करते हैं गेम स्टार्ट। अब पता चलेगी आगे की स्टोरी। तो यहाँ पे हम लोग फिर से देख रहे हैं कि हम लोग रूम में आ गए हैं जिस रूम में पहले गेम स्टार्ट हुआ था, और पंखा वंखा चल रहा है बहुत धीरे। तो एक चीज़ नोटिस करने की चीज़ है कि ये जब भी उठता है थोड़े शौक में उठता है, कि मतलब कोई सपना देख रहा होता है, ये सपना चल रहा है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जितनी बार उठते ऐसा लगता है कि अभी तो रियल है, अभी रियल है। जब भी उठता है थोड़ा शॉकिंग में रहता है, सपने में, सदमे में रहता है। तो यहाँ रूम में तो कुछ नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो दरवाजे से सिंपली बाहर निकल के जाते हैं। फिर से वही सब चीज़ें हो रही हैं हम लोगों के साथ। केक है, बर्थडे केक है, उसमें खून वून टपक रहा है, और जैसे गए वैसे वो कैमरे में बदल गया। ये दोनों चीज़ें इंडिकेट करती हैं इसकी बेटी और वाइफ की। इसकी वाइफ फोटोग्राफर थी और इसकी बेटी का बर्थडे था। तो यहाँ पे फिर से ये डराने की कोशिश जो नाकाम हो गई आपकी। तो यहाँ पे हम लोगों को ड्रॉअर में एक फ़ोटो मिल जाती है गराज की, जिसमें पासवर्ड लिखा हुआ है। इस पासवर्ड को हम लोग ड्राइंग रूम यानी लिविंग रूम में जाके खोलते हैं एक सूटकेस, और उसमें से जंजीर काटने के लिए एक औजार मिल जाता है। तो यहाँ पे ये जंजीर काट के देखते हैं, अपनी बेटी का रूम खुल जाता है और यहाँ पे एक और रूम है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं, टेजर की कुछ चीज़ें थी, चलो ठीक है, गन बनाने की कुछ चीज़ें मिल गई हैं। वापस चलते अपने बेटी के रूम में जो अभी अभी खोला है, और यहाँ पे एक बॉटल है और यहाँ पे एक और राउंड की मिल गई है। तो हम लोग राउंड की को लगा के एक और रूम खोल लेते हैं, और इसके साथ यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक और ट्राइंगल की मिल गई है। यहाँ क्लॉक में हम लोग ये की यूज़ करते हैं, लेकिन इसके लिए एक और गियर चाहिए होता है। अब गियर लेने के लिए हम लोग इस बॉक्स को ब्लेड से काटते हैं, और यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है, इससे इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे फाइनली गियर मिल जाता है जो कि घड़ी में लगेगा, इसको जाके सीधे घड़ी में लगाते हैं। और यहाँ पे स्क्वायर की मिल गई है, अब हम लोग स्क्वायर की वाला रूम खोल सकते हैं, और वो बेसमेंट का रूम होता है। तो यहाँ बेसमेंट की ओर जाते हैं और इस रूम को खोलते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को एक टेजर गन मिल गई, उसका एक पार्ट मिल गया है। तो यहाँ पे एक और बार हम लोगों को दरवाज़ा खोलना पड़ता है, और यहाँ पे नीचे जाते जाते ओके, यहाँ पे जंजीरें लगी हैं दरवाजे पे, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, हमारे पास कटर है, इससे हम लोग काट देते हैं और चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे फ्यूज़ व्यूज़ सब लगा है, इसको काटते हैं, और यहाँ पे एक क्रो बार मिल जाता है, क्रो बार से हम लोग नीचे जा सकते हैं उस वाले रूम में। तो यहाँ से दरवाज़ा खोलते हैं और ये नीचे का रास्ता है, इधर से फिर से नीचे जाते हैं हम लोग पिछली बार के तरीके बिल्कुल। इसका पहले का पार्ट लिंक में है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाओगे तो पूरा गेम प्ले दिखा रखा है मैंने। अभी उस गेम प्ले का नेक्स्ट पार्ट है, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में हर चीज़ दिखा रहा हूँ। तो वापस हम लोग को अपनी डॉटर और बेटी दिखती है, जितनी बार पास जाने की कोशिश करते हो उतनी बार ये लोग और दूर चले जाते हैं, और फिर जैसे दरवाज़ा खोलते हैं हम लोग वापस वहीं आ जाते हैं अपने रूम में जहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस बार हम लोग बाहर निकल के देखते हैं, कुछ चीज़ें तो चेंज है। यहाँ पे हम लोग फ्यूज़ उठा लेते हैं और फिर से जाते हैं हॉल में, चला देते हैं लाइट्स वाइट, और लाइट जलाते ही यहाँ पे भाई लाइट हो गई। तो आप देख सकते हो इसकी बीबी की लाश केक के सामने कट पड़ी होती है, क्योंकि जब ये केक काट रही होती है तभी इसका खून हो जाता है, तो इसकी अंगूठी केक में रह जाती है। और यहाँ पर हम लोग दोनों अंगूठी लगा के आ जाते हैं इस रूम में, इस हॉल में, जो भी कह सकते हैं इसे कह लेते हैं अभी। और हमको यहाँ पे अपनी बेटी का रूम ढूंढना होता है, और वो ये रूम रहा। तो जैसे इसमें जाते हैं, यहाँ पे एक मछली मिलती है जो तड़प रही होती है बिना पानी के, जैसे इसकी बेटी तड़पती है बिना सांस के, क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो यहाँ बकेट मिल जाती है, लेकिन बकेट में इतना पानी नहीं होता है। और जैसे हम लोग जाते हैं हमारी बेटी आती है, लेकिन वो गायब हो जाती है। और यहाँ पे एक किताब पढ़ी, और यहाँ पे फिर से दरवाज़ा खुलता, हमको हमारी बेटी और बीबी दिखती है, लेकिन जब भी पास जाते हैं फिर वो लोग गायब होने लगते हैं, और हम लोग पीछे पीछे आते चले जाते हैं। लेकिन फाइनली डोर तक पहुँचते हैं, पता चलेगी आगे की स्टोरी। और यहाँ पे डोर ओपन करके जाते हैं, एक और डोर खुल जाता है। लास्ट टाइम हम लोग लैडर से चढ़ गए थे, लेकिन इस बार लैडर नहीं है। और जैसे ही बैठते कुर्सी पे, भाई साहब ये तो गन लेके अपने ही मारने जा रहा है। तो ये स्टार्टिंग वाली चीज़ हो गई, मतलब ये इसलिए अपने आप को मार देता है। ओहो,
तो हम लोग इसके पहले के पार्ट में देख चुके थे कि जेम्स और निक यही है और शायद यही मर्डरर होता है, और मरने के बाद हम लोग वापस अपनी उसमें आ गए और इसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। तो इसका एक और पार्ट है थर्ड, वो भी आज ही खेलेंगे। तो मैंने अब नाइटमेयर मोड पे लगा दिया, जो फाइनली हम लोग को स्टोरी दिखाएगा है क्या इस गेम में। तो अब हम लोग सारी चीज़ें फिर से वही करेंगे तब वहाँ पे पहुँचेंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, मैं सीधे वो सीन्स हटा दूँगा क्योंकि सेम वही गेम प्ले करना पड़ेगा, बस पजल थोड़े और अलग हो जाते हैं, चाबियाँ अलग अलग जगह छुपा दी जाती हैं। तो हम लोग सीधे आ जाते हैं मेन स्टोरी पे। तो यहाँ पे बकेट होती है और यहाँ पे हमारी बेटी होती है, और बेटी को जैसे देखते बेटी गायब हो जाती है और उसके बाद मेन डोर खुलता है। तो अब जानेंगे कि फाइनली एंड में क्या होता है नाइटमेयर में, एंडलेस नाइटमेयर का मतलब क्या है यहाँ पे। तो फिर से हमारी बेटी और बीबी अभी भी गायब हो रही हैं, अभी भी उनसे नहीं बात कर पा रहे हम लोग, उनकी रूह हम लोग को डरा रही है लेकिन उनकी जो रियल फॉर्म है वो हम लोगों से दूर जा रहा है। पता नहीं ये भी उनकी रूह है कि हमारी यादें हैं, ये नहीं पता चल पाया अभी तक। और यहाँ पे फाइनली डोर खोलते हैं और सामने वाला डोर पीछे वाले डोर पे एक बार नहीं होता, ये बंद हो जाता पूरा हमेशा के लिए। ओके, सामने वाला डोर फिर से खुल गया है और यहाँ से देख के लग रहा है कि वहाँ पे टेबल पे कुछ रखा हुआ है ब्लू कलर का, और एक गन भी है उसके साथ, और लैडर फिर नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते क्या लिखा हुआ है। तो इसके अंदर लिखा है कि हॉवर्ड बोलता है गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डॉक्टर हॉवर्ड। डॉक्टर हॉवर्ड आके बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग और पूछते हैं मैं तुम्हें क्या बुला सकता हूँ। तो सब्जेक्ट बोलता है तो मुझे निकली बुला सकते हो। तो हमारा जो करेक्टर है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट तो कोई एक्सपेरिमेंटल चीज़ होती है, उस पर एक्सपेरिमेंट जैसी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि हमें एक चीज़ पूछनी है, आप बता पाओगे। तो डॉक्टर कहता है, डॉक्टर हॉवर्ड कहते हैं हाँ पूछो। तो हम लोग पूछते हैं कि हमारी बीबी और बेटी कहाँ हैं। तो डॉक्टर कहते हैं क्या पूछ क्या रहे हो मतलब। तो हम लोग कहते हैं लीसा और एमी कहाँ हैं। तो वो कहता है, तो वो किसी से कहता है, लकी लकी कोई होता है, कहता है कि प्रिपेयर करो जल्दी से, जल्दी से प्रिपेयर करो, कुछ प्रिपेयर करने को कहता है यहाँ पे। तो डॉक्टर लकी से कहता है कि कुछ प्रिपेयर करो जल्दी से, और उसके बाद बोलता है निक यानी हमको बोलता है कि तुम सही नहीं लग रहे हो, तुम्हें तबीयत सही नहीं लग रही है। फिर सब हम लोग पूछते हैं उससे वेयर आर दे, कहाँ है हमारी बीबी और बच्चे। तो फिर हॉवर्ड कहता है यू नीड टू टेक अ ब्रेथ, कहता है निक तुम सांस लो, तुम सही नहीं लग रहे हो अभी, तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तो फिर हम लोग गुस्से में पूछते भाई है कहाँ बता दो, दिमाग मत ख़राब करो हम लोगों का। तो यहाँ लकी तभी बोलता है कि डॉक्टर इंजेक्शन रेडी है, और वो हम लोग को शायद इंजेक्शन लगा देता है। और इंजेक्शन लगाने के बाद बोलता है कि निक तुम्हारी ना कोई बीबी है ना कोई तुम्हारी बेटी है। बाप रे बाप, ये क्या सीन चल रहा है। तो हम लोग कहते हैं ये क्या पागल वाली बातें कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर उसके बाद डॉक्टर बोलता है कोई बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं, आराम से सो जाओ, नींद आ रही तुम सो जाओ, तुमको सब कुछ याद आ जाएगा। और जैसे हम लोग नींद में जाने लगते हैं इंजेक्शन के कारण, वैसे ही डॉक्टर बोलता है मैं तुम्हें ये तो बताना भूल ही गया कि तुम्हारा नाम निक ली नहीं है। तो गाइज यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें फिर कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। अभी तक हम लोग को पता चल रहा था कि निक ली ही जेम्स है जो कि एक पुलिस होता है, और निक ली एक राइटर होता, मतलब ये दोनों पर्सनैलिटी एक ही थे, और इन लोगों ने ही शायद अपनी बीबी का मर्डर किया था, मतलब जेम्स ने या निक ने, दोनों एक ही पर्सन है, उसने मर्डर किया था। लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि कोई डॉक्टर है और उसको वो इंजेक्शन लगा देता है, फिर से वो सो जाता है। मतलब जब हम लोग मारते हैं खुद को तो हम लोग उठ गए थे, और रियलिटी में उस समय उठ गए थे, अभी हम लोग शायद सपने में थे अपने, जितनी बार हम लोग बार बार वापस आ रहे थे जा रहे थे तो सपने में थे, लेकिन अब की जब मारते तो हम लोग उठ जाते हैं, और जो उसने पहले इंजेक्शन लगाया होगा उसकी पावर कम हो गई होगी, इसलिए हम लोग रियल लाइफ में आ जाते हैं, और डॉक्टर फिर हम लोग को इंजेक्शन दे देता है, और इसके कारण हम लोग फिर नींद में चले जाते हैं। और डॉक्टर ये बोलते हुए कहता है कि भाई तुम निकली नहीं हो, बताना हम लोग भूल गए, मतलब अभी तक जो हम लोग सपना देख रहे थे उसका असर था हमारे ऊपर, क्योंकि उस सपने में हम लोग निकली थे और एक पुलिस जेम्स भी थे, हम लोग दोनों ही थे, सेम पर्सनैलिटी, अलग पर्सनैलिटी थी लेकिन पर्सन सेम ही थे। तो गाइज यहाँ पे इसका पार्ट खत्म हो गया, लेकिन डोंट वरी, आई नो आप लोगों के गेम बहुत पसंद आ रहा, तो इसका एक बोनस मैं लेके आया हूँ, इसका एक नया पार्ट आने वाला, अभी तक आया नहीं है, एक नया पार्ट आएगा जिसको आप अभी देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा और स्टोरी थोड़ी सी और समझ में आएगी उससे, और वो पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। ये गेम अभी रिलीज नहीं हुआ है, इसकी कुछ क्लिप्स दिखाई गई हैं। तो हम लोग यहाँ भागते हुए जाते हैं, एक इंसान होता है
जो खड़ा होता है और हम लोग कहते हैं प्लीज मत, और वो नीचे गिर जाता है। तभी फिर हम लोग जा के देखते भाई वो कर क्या रहा था, और गिरा गिर के गया कहाँ भाई, गायब भी हो गया वो, और उसका फोन पड़ा होता है यहाँ पे। तो देख सकते हो गाइस ये एंडलेस नाइटमेयर पार्ट टू है, और इसका फोन उठा के हम लोग देखते हैं तो यहाँ लिखा होता है कूद जाओ जंप, और फिर किसी की आवाज आती है, और इधर से एक और इंसान आता है। ओ भाई शेट भाई, वो तो हम ही लोग थे, ये चीज रिपीट हो रही है बार बार। अब वो बंदा भी दोबारा कूद जाएगा। तो गाइस आप बताओ आपको ये गेम कैसा लगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहोगे अगर आएगा? और प्लीज़ ये ज़रूर बताना कि गेम तुम लोग को रियलिटी में लगा कैसे, इसकी स्टोरी कैसी लगी, इसकी स्टोरी जिन्होंने बनाई थी क्या वो आपकी इच्छाओं के अनुसार आपको सेटिस्फाई कर पाए, आपको एंटरटेन कर पाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कुछ गेम्स ला के मैं खेलता रहूँगा, और पूरी एक स्टोरी होती ना उसको अच्छे से बिल्कुल निचोड़ के जो जो चीज़ें होंगी आपको बताऊंगा, ताकि आपको और मज़ा आए, और जिस तरीके से गेम बना उस तरीके से आप समझ पाओ। तो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, प्रेस करो बेल नोटिफिकेशन बटन, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी फ़ोन की नोटिफिकेशन में आ जाए। थैंक यू सो मच।